अच्छा वाह यार, ग्रेट मैन, कि मजा नहीं आ रहा बस। अब आप लोग भी ऐसे ही एप्लीकेशन लिखना जब नहीं आना हो। When someone asks you, why are you absent from the class? आप बोल देना मजा नहीं आ रहा। मेरे स्कूल में रखा है अच्छा वाला स्टैंड, मुझे लगता है वो लाना पड़ेगा मुझको। यस चलो ठीक है। इसमें एक बात तो है, बाहर का लफड़ा नहीं रहता है ना। देखो आज हमारी रैपिड रिवीजन क्लास है, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारी रैपिड रिवीजन क्लास है। रैपिड रिवीजन मतलब जो पुराने जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ जाएंगे कि कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि जब हम कभी अंदर आते हैं तो सबसे पहले परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, तो परमिशन के लिए क्या बोलते हो, मे। ये आपको पहले से पता है इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मे आई कम इन, मे आई गो, मे आई हेल्प यू, मे आई डिस्टर्ब यू, यू मे नॉट, मे आई डिस्टर्ब यू, मे आई हेल्प यू, मे आई नो योर नेम, अंडरस्टैंड। आपको पता है इसलिए ज्यादा नहीं करेंगे। देन कैन, कैन का प्रयोग हम व्यक्ति की क्षमता बताने के लिए करते हैं, ये भी आपको पता है। कैन यू स्पीक इंग्लिश, यस आई कैन। कैन यू ड्राइव कार, कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर, कैन यू स्मोक सिगरेट, नो आई कांट, है ना। कुछ लोग सोच रहे हैं सर हम तो कर सकते हैं, है ना। कैन यू ड्रिंक वाइन, नो आई कांट, ठीक है। हाउ मेनी चपातीज कैन यू ईट, हाउ मेनी चपातीज कैन यू ईट, आई कैन ईट 3 चपातीज, 4 चपातीज, 5 चपातीज, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन चपातीज। अब गांव में जो बनते हैं वो चपाती नहीं, वो चपाता होते हैं, ठीक है। वो तो दो में ही आदमी तहस महस हो जाए, है ना। तो ये डिपेंड भी करता है कि आपकी चपाती कैसी है। और अगर जो सिटी में जो लोग बनाते हैं चपातीज छोटी छोटी, अगर गांव का कोई फार्मर हो या जो हार्ड वर्कर मैन हो, अगर उसको दे दिया जाए तो वो तो 10 12 15 चाहिए उसको, तो शर्म के मारे ना खाए, अलग बात। चलो ठीक है। कैन कुड भी मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि कुड का दो प्रकार से प्रयोग होता है। एक कुड का प्रयोग वहां होता है जहां पे आप रिग्रेशन व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं, खेद प्रकट करते हैं। खेद, मैं नहीं जा सका, मैं नहीं आ सका, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, मैं आपको नहीं पढ़ा सका, मैं अंग्रेजी नहीं सीख सका। दूसरा कुड का प्रयोग करेंगे हम लोग रिक्वेस्ट के लिए। एक तो हो गया रिग्रेशन और दूसरा रिक्वेस्ट, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। नाउ लेट मी आस्क इन इंग्लिश, कुड यू हेल्प मी, यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स आई कैन, कुड यू हेल्प मी, यस ऑफ कोर्स आई कैन, कुड यू सॉल्व माय प्रॉब्लम, यस ऑफ कोर्स आई कैन। एक्चुअली कुड का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम अपनों से बड़ों से बात करते हैं। आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि सर क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं तो कर ही सकता हूं, लेकिन आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं मुझसे, कुड यू क्लोज दिस डोर, ठीक है, समझ में आया। कुड यू सॉल्व माई प्रॉब्लम, इसका जो आंसर है वो कैन में ही होगा, यस ऑफ कोर्स आई कैन, कुड यू सॉल्व माई प्रॉब्लम। चलो इसके बाद हमने आपको बताया था शुड। शुड का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां पर आप किसी को सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं, किसी को सुझाव देते हैं, मशवरा देते हैं। सलाह, मशवरा, सुझाव, तब आप शुड का प्रयोग करते हैं। अब सलाह, परामर्श, मशवरा देते भी हैं और लेते भी हैं, ठीक है, तब भी आप शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, मेरी तबीयत खराब है, मुझे क्या करना चाहिए, यू शुड कंसल्ट विद डॉक्टर, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप पढ़ाई नहीं करते हो तो मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि यू शुड स्टडी प्रॉपरली, एनी प्रॉब्लम। नाउ लेट मी आस्क इन इंग्लिश, आई हैव अ प्रॉब्लम, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, व्हाट शुड आई डू, यू कंसल्ट विद डॉक्टर। आई हैव नो मनी, व्हाट शुड आई डू, यू शुड अर्न मनी, ठीक है।
I am very weak in English. What should I do? You should learn English. You should? Learn English. Okay. I am feeling bored. What should I do? You should play any game. You should operate mobile. You should watch movie. You should listen song. Understand? Yes, sir. Okay. I am feeling hungry. What should I do? You should eat food. Very good. Understand? Yes, sir. Have you completed should? Yes. Let's go forward. Then, should chahiye aur be hota hai hona. Dono mila ke kya ho jayega? Should plus be is equal to should be. और शुड बी का हिंदी मतलब होता है होना चाहिए, होना चाहिए. एनी प्रॉब्लम? ये भी हमने पूछा था. हाउ शुड बी अ बॉय, हाउ शुड बी अ बॉय, एक लड़का कैसे होना चाहिए. वाई शुड बी इंटेलिजेंट, सिंसियर, ऑनेस्ट, पंचुअल, ओके, एक्टिव, ओके, वेल बिहेव्ड, डिसिप्लिन्ड, कॉन्फिडेंट, ऐसा होना चाहिए. अगर लड़की की बात करें, लड़की भी सेम ऐसी होनी चाहिए. हाउ शुड बी अ टीचर, टीचर ऑनेस्ट, पंचुअल, गुड लुकिंग, गुड लुकिंग, अच्छा टीचर गुड लुकिंग होना चाहिए. फिर मेरे जैसे टीचर को रिटायर्ड हो जाना चाहिए, है ना? फिर तो मुझे पढ़ाने का हक ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है. एक स्टूडेंट क्या बोला था, टीचर शुड बी वुमेन, टीचर शुड बी लेडी. इनका टीचर जेंट्स के पढ़ाने मजा नहीं आता. बोले क्या है मैडम, लोगों से पढ़ने में डर नहीं लगता, जबकि मुझे लगता है मैडम लोग ज्यादा डेंजर होती हैं. टीचर लोग मतलब जेंट्स ठीक ठाक होते हैं थोड़े, ठीक है, और कोई भी डेंजर हो सकता है, ये तो बात है, ठीक है. तो हाउ शुड बी टीचर, टीचर शुड बी पंचुअल, डिसिप्लिन, परफेक्ट इन सब्जेक्ट, है ना, एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी होना चाहिए शिक्षक. गुड लुकिंग जरूरी नहीं है, ये तो गुड लुकिंग ही ढूंढते फिरो, है ना, टीचर को रिश्तेदार तो बनाना नहीं है. समझ में आ गया? Yes. अब कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे कि यहाँ पंखा होना चाहिए, देयर शुड बी फैन, है ना, कूलर होना चाहिए, देयर शुड बी कूलर, ठीक है. क्लासरूम बड़ा होना चाहिए, देयर शुड बी स्पेसियस क्लासरूम या बिग क्लासरूम, ठीक है. अब मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, कम लाइट है, देयर शुड बी लाइट, लाइट होना चाहिए. खिड़की नहीं है तो बोलेंगे देयर शुड बी विंडो, खिड़की होना चाहिए, देयर शुड बी विंडो. ये सेंटेंस सबसे ज्यादा तब बोला जाएगा जब आप किसी नए घर के कंस्ट्रक्शन में गए हैं, नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपका खुद का घर का नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कहाँ क्या होना चाहिए. आप बोलेंगे देयर शुड बी वेंटिलेटर, देयर शुड बी डोर, देयर शुड बी विंडो एंड देयर शुड बी पोर्च, है ना, और भी जो जो चीजें आपके घर में आप बनवाना चाहते हो वो सब बोलेंगे. आप बोलेंगे देयर शुड बी वाटर सप्लाई हियर एंड देयर शुड बी वेरी नाइस, सिट केयरफुली. चलो ठीक है, आगे देखो. सुट आ गया समझ में? अब सुट के बाद नो टॉकिंग. सुट के बाद हमने आपको बताया था मस्ट. मस्ट का प्रयोग सुट जैसा ही है, परंतु इसका मतलब होता है जरूर चाहिए, ठीक है, जरूर चाहिए. आपको जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो. आपको रोड के नियमों का पालन करना ही चाहिए, यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ रोड. ठीक है, लड़का पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, बॉय मस्ट बी एजुकेटेड. ठीक है, हम बोलेंगे लड़का नौकरी में होना ही चाहिए, बॉय मस्ट बी जॉब, बॉय मस्ट बी इन जॉब. मस्ट का प्रयोग वहीं करते हैं, ठीक है. जैसे मैंने कहा, आपने कहा कि सर मेरा पेन कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है, तो मैं बोलूंगा इट मस्ट बी ऑन द टेबल, जरूर टेबल पे होगा. ठीक है, होता क्या, अक्सर जब हम घर पहुंचते हैं तो सामान को संभाल के नहीं रखते हैं. yeah. हम सोचते हैं कि मम्मी की जवाबदारी वो रखेंगे, है ना. अब आप तो बड़े हो गए, लेकिन छोटे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, सॉक्स कहीं डाल दिया, शूज कहीं डाल दिया, शर्ट कहीं डाल दी, पेंट कहीं डाल दी. फिर दूसरे दिन जब स्कूल जाते हैं तब फिर ढूंढते हैं एक एक चीज, फिर पूछते हैं मम्मी हमारा जूता कहाँ है, मम्मी हमारा मोजा कहाँ है, मम्मी हमारा बैग क्या है, कहाँ है. तो यही उनके लिए एक इरिटेशन का कारण बन जाता है. ठीक है, तो आपने पूछा कि मेरी शर्ट कहाँ है या मेरी बुक कहाँ है, तो अगर आप कहना चाहते हैं जरूर टेबल पे ही होगी, तो क्या बोलेंगे, इट मस्ट बी ऑन द टेबल, इट मस्ट बी ऑन द टेबल. आपने ये बोला, ठीक है, यह जरूर ईमानदार लड़का है, या ही मस्ट बी ऑनेस्ट बॉय, ये होना ही चाहिए ईमानदार. किसी किसी की सूरत शकल देख के लगता है ईमानदार होगा.
भले वो अंदर से कैसा ही हो लेकिन ऐसा लगता है हम श्योर हो जाते हैं कि अब जैसे काले बादल हैं और आपको लग रहा है कि पानी गिरेगा तो क्या बोलेंगे, आज तो बारिश हो के ही रहेगी, इट मस्ट बी रेन टुडे, आज तो बारिश होगी ही होगी। तो मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कोई बात बहुत दृढ़ता के साथ आप कह रहे हैं तो मस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने फिर आपको बताया था वुड लाइक टू, बताया था वुड लाइक टू, पसंद करेगा। हम जैसे मैंने बोला कि आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है या मैं खेलना पसंद करता हूं, लेकिन इसी सेंटेंस को मैं ऐसा कर दूं कि मैं खेलना पसंद करूंगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा आई विल लाइक टू प्ले, क्या बोलूंगा, समझ गया। मतलब हमने क्या किया कि जो विल लाइक है उसे वुड लाइक बना दिया, मैंने नहीं बनाया, अंग्रेजी वालों ने बनाया है। एक तो आप बाद में पूछो सर आपने क्यों बना दिया, ऐसे क्यों कर दिया, तो भी मैंने नहीं किया, ठीक है, ये है ही नहीं तो ये पूछते हैं ना क्योंकि ये अलग कैसे हो गया भाई। नियम ये है आई डोंट लाइक, है ना, आई डिडंट लाइक, यहाँ आके आई वुडंट लाइक हो जाता है, जबकि वोंट लाइक होना चाहिए नियम से तो, है ना, विल नॉट लाइक, लेकिन ऐसा नहीं होता, आई वुडंट लाइक। यहाँ पे विल लाइक का प्रयोग साथ में नहीं होता, वुड लाइक का प्रयोग साथ में होता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी, ओके, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, वुड यू लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, हु इज सिंगर इन द क्लास, वुड यू लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, क्या रहता है ये सेंटेंस तब यूज करेंगे जब आप विनम्रता पूर्वक किसी से आग्रह करेंगे। जैसे शादी विवाह में आप किसी से कहें कि आप मेरे साथ डांस करेंगे तो बाजू में जाके कह दो वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, ठीक है, सामने वाले को करना होगा तो कर लेगा। और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर अपना देसी तरीका तो है ही, जिसके साथ डांस करना उसे खींच लो या फिर धक्का मार दो। अक्सर यही होता है शादी विवाह में, है ना, जब डांस कराना होता है तो भीड़ में बहुत सारे शैतान खड़े रहते हैं, वो धक्का मार देते हैं, वो भक्ता है वो सड वाले भी मार देते हैं, उसके पास फिर कोई विकल्प नहीं बचता नाचने के अलावा, फिर वो क्या करता है ना चाहते हुए भी, अच्छा कोई कोई नाचना ही नहीं चाहते तो दूसरा क्या करता है उसको स्टार्ट कर देता है, है ना, उसके हाथ हाथ पकड़ के और जबरदस्ती उसे डांस करवाएगा, वो भी थोड़ी देर बाद फिर स्टार्ट हो जाता है, फिर उसको डांस कराने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा जो मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है कि नहीं, ये हमारे यहाँ शादियों में यही होता है। अब मान लीजिए मैं शादी में गया, मैं क्यों डांस करूं भाई, मैं क्यों डांस करूं, मैं नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग देखेंगे यार ये घूम रहा है इसको पकड़ो, है ना, या हरी सर घूम रहे हैं इनको डांस कराओ, आप ही में से कोई आ गया जबरदस्ती, हाँ सर 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 सर, अब मैं थोड़ा सा क्या है डांस तो मैं खतरनाक वाला कर लेता हूँ, वो वाला बिल्कुल वो, लेकिन चूंकि मैं सर हूँ बढ़िया सूट वूट पहन के गया हूँ, बड़े सभ्यतापूर्वक डांस करूंगा, बड़े लोग ऐसे ही करते हैं डांस, है ना, बड़े सभ्यतापूर्वक डांस करते हैं, ज्यादा एक्टिंग में नहीं करते, और वो घर की शादियों में ऐसा करते हैं बिल्कुल, है ना, कपड़े फाड़ डांस इतना, मतलब वो है कि घर की शादी में वो अक्षय कुमार को भी पीछे कर देते हैं, ठीक है, परंतु ये देखना पड़ता है डांस कर कहाँ रहे हैं, क्योंकि अब आपने रिक्वेस्ट किया कि सर डांस, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मुझे आता नहीं है, तो फिर थोड़े आराम से सभ्यतापूर्वक, मैं नहीं सभी ऐसे ही करते हैं, किसी नेता मंत्री को डांस करवा लो वो भी ऐसे ही करेगा आराम से, जबकि उसके घर में कोई लोटपोट हो जाए नागिन वाला कर ले, ठीक है, बट यहाँ ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे दिखावा करना है। तो समझ में आ गया, तो किसी को क्या बोलेंगे, वुड यू लाइक टू डांस, क्या आप खेलना पसंद करेंगे, क्या आप नाचना पसंद करेंगे, क्या आप शादी करना पसंद करेंगे, क्या आप मर जाना पसंद करेंगे, क्या आप पीना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू ड्रिंक, नो थैंक्स आई वुडंट लाइक, ठीक है, वुड यू लाइक टू स्मोक, वुड यू लाइक टू प्ले, यस ऑफ कोर्स आई वुड लाइक, खेलना पसंद है, ठीक है, समझ गए वुड का प्रयोग। इसके अलावा हमने आपको और ज्यादा कोई स्ट्रक्चर नहीं बताए थे, एक होता है ऑट टू, तो वो जब करते हैं जब आप कोई नैतिक बात करते हैं, जैसे आपको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे, ऑट टू, ठीक है। इससे ज्यादा हमने आपको ये मॉडल अभी नहीं पढ़ा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने आपको बताया था टू बी, क्या बताया था टू बी, ये भी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, टू बी का मतलब होता है होने की क्रिया, होने की क्रिया, होने का मतलब ये होता है जैसे कि तुम डॉक्टर हो, वह ईमानदार हो, इंजीनियर है, मैं शिक्षक हूं, तुम विद्यार्थी हो, वह गरीब था, वह अमीर होगा, होना सिर्फ ये नहीं बोलना
कि वह जाता हुआ आता हुआ खेलता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये गलती करते हैं आप लोग। जैसे मैंने कहा वह जाता है तो आप कहते ही इज गो, जबकि टू बी वर्ब के साथ कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता, या तो आई एन जी फॉर्म लगता है या थर्ड फॉर्म लगता है। एक बात और ध्यान रखो, टू बी वर्ब मतलब क्या होता है, इज एम आर वाज वर विल बी और शैल बी, विल शैल नहीं, विल बी शैल बी, विल शैल टू बी वर्ब नहीं होता, विल बी शैल बी टू बी वर्ब होता है, ठीक है। तो इनके साथ कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग नहीं होता। क्या प्रयोग नहीं होता? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इनके साथ जब भी प्रयोग होगा या तो नाउन प्रयोग होगा, क्या होगा नाउन, या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस ये तीन चीजें प्रयोग होती हैं। इससे आप गलती नहीं करोगे। थर्ड फॉर्म प्रयोग कब होगा? जब पैसिव वॉइस बनाओगे। आईएनजी प्रयोग कब होगा? जब कंटिन्यूअस टेंस बनाओगे। और नाउन प्रयोग कब होगा? जब टू बी वर्ब बनाओगे, ठीक है। इसका उदाहरण ये तो आपको पहले से पता है, बस मैं तो आपको रिमाइंड करा रहा हूं। अगर मान लो आप किसी को पढ़ाने लगे तो आपको उस वे में पढ़ाना पड़ेगा। खुद को आना अलग बात है, दूसरे को पढ़ाना अलग बात है। बहुत सी चीजें ऐसी आपको खुद को आती हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते, है ना। एक्सप्लेन करने में फिर उसके जो साइड की चीजें हैं आपको उसके बैकग्राउंड की चीजें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट का माइंड इतना चलता है वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, है ना। होता है अक्सर साइंस में होता है, वो स्टूडेंट सबसे अच्छे होते हैं, शिक्षक को मजा आता है अगर स्टूडेंट क्रिएटिव होते हैं। वो स्टूडेंट ऐसे, वो स्टूडेंट इंटरेस्टिंग नहीं होते टीचर के लिए जो बड़े बैठे बढ़िया आके, जैसे कि वो पंगत में आए हैं, आके बैठ गए कि हमें बस खाना दे दो हम खा के भाग जाएंगे, जो भी दे दोगे वो चलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं, तो देखो हूँ अमिताभ बच्चन, बस आने जाने की बात तो नहीं हो रही। हु इज ही? हु इज ही? मुझे लगा आदि मानव का होगी। Who is he? He is boy, है ना? Who am I? Your teacher. Who am I? Your teacher. Who is she? She is your child. Who are you? Who are you? I am a student. Who are you? I am a student. क्या है, एक बार अपने लालू प्रसाद यादव जी जो है अमेरिका गए तो उनको इंग्लिश आती नहीं थी, उनको इंग्लिश सिखाई गई कि आपको कैसे ट्रीट करना है, कैसे बात करना है। तो इनको सिखा दिया कि अगर वो आपसे बोलें हाउ आर यू, आप उनसे बोलना हाउ आर यू, तो वो बोलेंगे फाइन, और आपसे बोलेंगे एंड यू, तो आप बोल देना मी टू। क्या बोल देना? मी टू। इनने यही किया, जैसे ही ये गए ओबामा इनको रिसीव करने के लिए आए और इन्होंने कहा हाउ आर यू की जगह इन्होंने बोल दिया हु आर यू। इन्होंने बोला हु आर यू, वहां से ओबामा ने बोला आई एम। ओबामा की वाइफ का नाम क्या था, क्या है मतलब, ठीक है, नहीं पता। बराक ओबामा की मिसेल ओबामा, मिसेल 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 मिशेल मिशेल, तो उनसे उन्होंने पूछा कि हाउ आर यू की वजह उन्होंने पूछ लिया अपने लालू जी ने हु आर यू, तो उन्होंने कहा कि आई एम मिसेल्स हस्बैंड एंड यू, इन्होंने कह दिया मी टू। मतलब ये है सब गड़बड़ हो गया। तो कभी भी जो है ध्यान रखिएगा कि क्या बोलना है, हालांकि आपसे ये गलती नहीं होगी। तो हाउ आर यू? फाइन। हाउ आर यू? फाइन। हु आर यू? वेयर आर यू? इन द कोचिंग। आई एम इन द कोचिंग। वेयर आर यू? आर यू इंडियन? हु वाज महात्मा गांधी? महात्मा गांधी वाज ग्रेट लीडर। हु वाज अटल बिहारी वाजपेयी? ठीक है, ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, है ना। अभी तो वो दिवंगत है, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, है ना। ओके, बर बर यू इन द क्लास यस्टरडे? अगर आप अपने लिए बताएंगे तो आई वॉज, और सबके लिए बोलेंगे तो बी वर, और अकेले के लिए बताएंगे तो आई वॉज। वर यू इन द क्लास यस्टरडे? यस बी वर इन द क्लास यस्टरडे। यस, चल रहा है कि नहीं? देखो ऐसा नहीं है, मेमोरी फुल तो नहीं हुई? अच्छा हाँ, तभी मेमोरी क्या है उसकी फुल चल रही बिल्कुल। Who will be at home? घर पे कौन होगा? My parents या my mother? अगर फादर ऑफिस चले गए या कहीं, तो मदर होंगी या ब्रदर सिस्टर एनीबडी, माई फैमिली मेंबर विल बी एट होम, ठीक है। शैल बी का प्रयोग आई और वी के लिए करते हैं,
जैसे मैंने कहा व्हाट विल यू बी इन फ्यूचर, तो आप बोलोगे सर आई शैल बी, जो आप बनना चाहते हैं वही होंगे आप, आई शैल बी डॉक्टर, आई शैल बी या आई शैल बी लॉयर, आई शैल बी सक्सेसफुल बिजनेसमैन या आई शैल बी सक्सेसफुल पर्सन, तो ये आप जवाब देंगे। समझ में आ गया? चलो अब हमने फिर आपको बताया था टू हैव, टू हैव मतलब पास होना, यहाँ पे सारी बातें पास होने की होंगी, आना जाना खेलना कूदना कुछ भी नहीं। आर यू गेटिंग यू बोथ, बोथ आर यू गेटिंग? एक्चुअली दे आर न्यू स्टूडेंट, सो आई एम वरी अबाउट बोथ ऑफ देम, आई एम नॉट वरी अबाउट यू बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड ऑलरेडी, दैट्स वाई यू आर रिवाइजिंग बट दे आर लर्निंग। ओके, तो हैज हैव हैड, लेकिन कुछ लोग मन में सोच रहे होंगे सर हम तो इनसे ज्यादा गए भी थे आप जबरदस्ती कर ही रहे हो, ऐसा बोल ही रहे हो हमें भी तो पहली ऐसा लग रहा है पहली बार पढ़ रहे हैं, नहीं तो अभी ये पूछने वाला सर ये हैज कहाँ लगाते हैं, ठीक है तो इतने दिन से पढ़ रहे हैं उसके बाद भी अभी भी कंफ्यूजन है, लेकिन देखो ये अच्छी बात है, आपके अंदर कंफ्यूजन है इसका मतलब सीखने की संभावना है, और आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं है, कहते हैं ना मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, वही बात है, तो अगर स्टडी करोगे तो कंफ्यूजन आएगा, तो पढ़ाई का यही मतलब है कि जितना ज्यादा पढ़ते हैं उतना ज्यादा अज्ञानी होते चले जाते हैं, समझ में आया, और जो नहीं पढ़ते वो लबालब भरे होते हैं, अरे भैया कहाँ लगाए हो, सब भोलेनाथ की कृपा है, सब माता रानी की कृपा से सब हो जाता है, वो विश्वास है, लेकिन क्या है अगर आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा अज्ञानी बनोगे, क्या बनोगे अज्ञानी, और जितना ज्यादा जितना नहीं पढ़ोगे उतने ज्यादा ज्ञानी रहोगे, इसलिए अनपढ़ लोग ज्यादा ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी इन द सेंस कुछ भी दे रहे हैं उन्हें टेंशन ही नहीं है, बिना मतलब के कुछ भी सर पैर की बातें घंटों खपा देंगे लेकिन उनकी बातों का कोई सेंस नहीं रहता, पर जब जो ज्ञानी आदमी होते हैं ना वो एक एक बात बोलने से पहले 50 बार सोचते हैं, उनको पता है इस बात का कहां कहां क्या क्या प्रभाव हो सकता है, और जो हम बात कर रहे हैं ये बात भी कितनी सत्य है, एम राइट, ठीक है ये बात है, इसलिए कोई भी आपको जो एक्सपीरियंस्ड आदमी एकदम से कोई भी फटाक से सुझाव नहीं देगा, आपने कोई सजेशन मांगा कि मुझे जिंदगी में क्या करना है तो वो फटाक से सुझाव नहीं देगा, अनपढ़ के पास चले जाओ 50 सुझाव पकड़ा देगा आपको, ये कर लो ये कर लो ये भी, क्योंकि उसे अनुभव कुछ भी नहीं है, he has no experience, he is just telling you on the base of his knowledge, but the person who is knowledgeable has a long experience, that experienced person first understand your capacity of working, your ability, your eligibility, your interest, what is your interest of area, after that he would suggest you according to you, okay, basically the person is highly educated or the person is experienced of life, they make decision on the base of person status or person's nature, everything is observed, after that they go to the conclusion, okay, so has have had will have, pass hone ke liye, to jab hum question karte hain to iska question hum does se kar lete hain, iska question hum do se kar lete hain, iska question hum did se kar lete hain, aur iska question to will aur shall se kar lete hain, will aur shall se kar lete hain, theek hai, डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कि हैज योर फादर अ बाइक, आंसर यस माय फादर हैज अ बाइक, ठीक है, हैव यू मोबाइल, हैड यू मोबाइल लास्ट ईयर, विल यू हैव कार इन फ्यूचर, ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया सीधा पूछने का, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं डज योर फादर Have a bike? Yes, my father has a bike. मैं do Dutch के साथ have लगाऊंगा और आप आंसर में सिर्फ has लगा देंगे। शुरू में लगता है थोड़ा डिफिकल्ट, उसके बाद जो प्रैक्टिस होते होते और फिर इजी लगता है ये सब, हम भी तो बोलते हैं हमें तो इजी लगता है आसानी से बोल देते हैं, ओनली द मैटर ऑफ प्रैक्टिस, स्पोकन इंग्लिश और नॉट ओनली स्पोकन इंग्लिश बट स्पोकन एनी लैंग्वेज इज नथिंग बट प्रैक्टिस, इज ऑल अबाउट नथिंग बट प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा जिसकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, ज्ञान होना अलग बात है, हिंदी का भी लोगों को ज्ञान होता है, लेकिन कुछ लोग हिंदी ऐसी बोलते हैं कि तालियां आती हैं और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि गालियां आती हैं, है ना, ये बात है ना, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, ठीक है। चलो अगला, डू यू हैव मनी, हाउ मच मनी डू यू हैव दिस टाइम, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास इस समय, चलो तो आज तुम फीस जमा करा ही दे, ठीक है, बोलना नहीं है वास्तविक बोलना है, ठीक है, जितने अभी रखे हो, ठीक है, हाउ मच मनी डू यू हैव, आई हैव, आई डोंट हैव मनी, ओके, डू यू हैव मोबाइल, डू यू हैव नॉलेज, हाउ मेनी ब्रदर डू यू हैव,
How many sisters do you have? I have one sister. Okay. How many friends do you have? I have many friends. Lot of नहीं होता. Lot of का मतलब होता है कि ढेर लगे ट्रक में भरे हैं. और many का मतलब होता है यहाँ वहाँ वहाँ रहते हैं, एक वहाँ एक वहाँ ऐसे रहते हैं many. तो lot of quantity हो जाएगी, है ना, और many numbers हो जाएगा. तो आप कहीं का कुछ भी बता देते हैं. More भी नहीं बोलेंगे, ठीक है. मोर फ्रेंड का मतलब होता है कि 10 चाहिए था और आपके पास उससे भी ज्यादा है, मोर देन 10. मोर मतलब अनकाउंटेबल, बहुत ज्यादा हो गए फिर वो, ठीक है. तो फ्रेंड्स इतने होते नहीं है ना. यस मोर, वो समथिंग मोर. एक्चुअली दो प्रकार का मोर होता है. हिंदी का मोर की बात नहीं हो रही. हिंदी का मोर अगर बोलोगे तो इंग्लिश में पिकॉक हो जाएगा, और इंग्लिश का मोर बोलोगे तो ज्यादा हो जाएगा. समथिंग मोर, समथिंग मोर, समथिंग मोर. अक्सर ये टेंडेंसी होती है पैसे कमाने के मामले में कि समथिंग मोर, समथिंग मोर. सब लोग पैसे कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं पता नहीं, सब कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, ठीक है. हमें क्या पता क्यों कमा रहे हैं, ठीक है. लगे हैं सब, रात दिन लगे हैं. क्यों लगे हैं? सब तो लगे हैं, हम भी लगे हैं. अब उनसे पूछो क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य यही है सिंपली, अच्छे जीवन जिएंगे, गाड़ी ले लेंगे, बंगला बना लेंगे, फिर क्या कर लेंगे, और बड़ा बंगला बना लेंगे, फिर क्या कर लेंगे, और बड़ा, फिर क्या जमीन खरीद लेंगे, कितनी का 200, 500, 1000 सब. फिर लक्ष्य होगा कि मध्य प्रदेश खरीद लें, फिर लक्ष्य होगा क्यों ना एक दो देश ही खरीद लें. वो सीमा कभी खत्म हो सकती है क्या? नहीं. तो इसका मतलब ये तो नहीं है कमाना ही बंद कर दें. ये है कि जीवन मिला है तो उसे खुशी खुशी इंजॉय के साथ, और खासकर हो सके तो हमारा जीवन दूसरों के काम आ जाए. मतलब ये है कि ऐसा कुछ हम कर दें कि वो दूसरे उसको स्टडी करें और दूसरों के जीवन में वो काम आए. मतलब उस भावना के साथ काम करो, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय. अगर आप इस भावना से काम करते हो तो डेफिनेटली आपका जीवन सार्थक हो गया. अगर आप ऐसा करते हो कि मतलब खुद का हिताय और खुद ही का सुखाय, खुद का सुख खुद ही का हित, तो फिर आपने जीवन में क्या किया, फिर तो आप यू आर लाइक अ एनिमल. यू आर समथिंग एज एनिमल, दैट एनिमल ईट्स डाइजेस्ट, नेक्स्ट डे ईट्स एंड डाइजेस्ट. एंड जानवर दूसरे के मुंह का भी छीन लेता है, कभी कभी छीन ही लेता है अगर उसके सामने नहीं, दूसरे के सामने है, दे फाइट फॉर दैट, ओके. बट इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए. इंसान को ये सोचना चाहिए कि हाउ कैन आई मेक दिस प्लैनेट मोर ब्यूटिफुल फॉर लिविंग प्लेस, हाउ कैन आई हेल्प द पीपल. एंड दैट्स व्हाई समबडी टोल्ड, इफ योर विजन ऑफ द ईयर, इफ योर विजन ऑफ द ईयर ग्रो वीट या ग्रो एनी क्रॉप, इफ योर विजन ऑफ द 100 ईयर ग्रो ट्री प्लांट्स, इफ योर विजन ऑफ थाउजेंड्स ऑन थाउजेंड्स ईयर ग्रो पीपल. हिंदी में बता देते हैं, अगर आपका विजन 1 साल का है तो फसल लगाइए, अगर आपका विजन 100 साल का है तो पेड़ लगाइए, और अगर आपका विजन 1000 साल का है तो क्या कीजिए, इंसानों को बनाइए. वही सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, ऐसी कोई चीज बना के चले जाइए या ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बना के चले जाइए कि 1000 साल तक वो काम आए. राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था, आज भी महिलाएं उससे लाभान्वित हैं. मोदी जी ने क्या किया? ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया. तो महिलाओं को फायदा होगा कि नहीं? हजारों वर्षों तक कॉन्स्टिट्यूशन जब तक नहीं बदलाएगा उनको फायदा होगा नहीं. तो किसी ने बोले तलाक 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 छुट्टी, व्हाट इज दिस. लेकिन कितना कठोर निर्णय चाहिए. जम्मू कश्मीर प्राइम मिनिस्टर, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि हमारे पास तो पावर ही नहीं है. तो आपके पास प्राइम मिनिस्टर जैसी पावर नहीं है, पर आपके लेवल पर करने के बहुत बड़े काम है. आप अपने घर में भी बहुत से डिसीजन लेते हो, मोहल्ले पड़ोस में कॉलोनी में भी डिसीजन लेते हो, आप समितियों में होते हो, आप बहुत सी संस्थाएं समिति आप खुद भी बना लेते हो, उसमें भी आप डिसीजन लेते हो, उनके भी लॉन्ग लास्टिंग फायदे होते हैं. आज मान लीजिए लोगों ने जो कदम संस्था बनाई वो वृक्षारोपण करती है, तो बताइए उसका फायदा होगा कि नहीं आपको और आने वाली पीढ़ियों को. वो वैसे अब मोदी जी ने धारा 370 हटवा दी, तो आप बताइए धारा 370 आने वाली पीढ़ियों के लिए चमत्कार होगा यार, कैसे हटाई होगी. जैसे हम सोचते हैं कि भारत खंड खंड हो गया था, रियासतों में बटा था, लेकिन आजादी के टाइम सरदार पटेल ने उनको सबको इकट्ठा कर दिया. और हम इसलिए क्या बोलते हैं, मैन ऑफ यूनिटी, मैन ऑफ यूनिटी, एकता के आदमी. अब उन्होंने कैसे एकता लेके आए होंगे, कितना कठिन काम होगा, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है. जब तक देश रहेगा दुनिया रहेगी, भारत में इनके नाम कभी मिटेंगे नहीं. बाबा साहब अंबेडकर, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ थिंग्स. यही जीवन का उद्देश्य है. ऐसा कुछ महान उद्देश्य लेके चलोगे तो जीवन में मजा भी आएगा. अब आप छोटे छोटे उद्देश्य लेके चलोगे कि आज पानी पूरी खाना है, कल वो करना है, ये दैट इज नॉट अ टारगेट. हाँ दिख गई तो खा लो, क्या दिक्कत है. बट इट शुड नॉट बी योर द लास्ट टारगेट.
योर फाइनल टारगेट शुड बी बिग। मतलब जो निष्कर्ष निकले आपका, निष्कर्ष में यही बात निकले कि मेरा उद्देश्य यही है कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, मैं अपने लिए तो खुद तरक्की करूंगा लेकिन मुझसे दूसरों को भी फायदा हो। जैसे सूर्य खुद तो जल ही रहा है लेकिन प्रकाश दे रहा है, दीपक जलता है बट गिव लाइट, स्प्रेड लाइट एवरीवेयर। सेम थिंग योर इंटेंशन ऑफ लाइफ, योर मोटो ऑफ लाइफ शुड बी लाइक दैट। ओके चलो एक बार और पूछ लेते हैं, डज योर सिस्टर हैव अ मोबाइल? हैज अ मोबाइल। डू यू हैव लैपटॉप? डिड यू हैव मोबाइल लास्ट ईयर? I had mobile. Will you have good job in future? Yes. Any problem? ठीक, ये सब आपको पता है इसलिए इस पे ज्यादा अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? थोड़ी देर और, एक टेंस और, उसके बाद आपसे होमवर्क पूछेंगे, बाकी टेंस हम कल एक्सप्लेन करेंगे। देखिए अब इसमें प्रेजेंट सिंपल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर सिंपल सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। सेल हम नहीं लिख रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश में सेल का प्रयोग नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, बस सामने वाला आपकी बात समझना चाहता है, वो आप क्या कहना चाह रहे हैं उसका भाव, ठीक है? सेल आई और वैसे भी लगाना है तो आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है? इसमें जब क्वेश्चन करना होता है तो आप डू और डज से करते हैं, और इसमें जब क्वेश्चन करना होता है तो आप डिड से करते हैं, और इसमें क्वेश्चन करना होता है तो विल और शैल से करते हैं। शैल फिर भी मत लिखो, विल से ही है ना, ठीक। डू डज डिड विल शैल, फर्क इतना है कि यहाँ पे हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म, बस ऊपर फर्स्ट इधर सेकंड, ठीक है? लेकिन इसमें दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस पॉजिटिव में, ठीक है? नेगेटिव में तो डू नॉट और डज नॉट होगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई प्ले क्रिकेट। पता आपको पहले से है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। डू यू बिलीव इन गॉड? यस आई बिलीव इन गॉड। डू यू लर्न इंग्लिश? यस आई लर्न इंग्लिश। ओके, डू यू ऑपरेट कंप्यूटर? Yes, I operate computer. Do you drink? No, I don't drink. I don't drink. Do you drink? I don't drink. Do you smoke? No, I don't smoke. Do you eat non-veg food? No, I don't eat. I don't eat. Okay. Do you go to college? Yes, no, I don't go to college. Some of you go to college and some of you school. Okay. Do you help the poor? Yes. No, I can't help the poor. Do you help the poor? Yes, okay. Do you help the poor? Yes, I help the poor. Yes, I help the poor. Okay. Do you go to market? Yes, I go to market. Understand? Yes. Chalo. Ab does. Does your mother cook food? Yes, my mother cooks. Does your father go to office? Yes, my father goes to office. Thik. Did you come yesterday? Yes, I came. कम मत कर देना, came है ना, came, C A M E, came, second form. Did you come yesterday? Yes, I came yesterday. Did you take bath yesterday? Yes, I took bath yesterday. Yes, I took bath yesterday. क्योंकि ठंड है तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं है ना, और नहीं भी नहाओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा यार, है ना? लोग नहाने को इतना बड़ा सीरियस लेते हैं, नहीं नहाओगे तो क्या हो जाएगा, कुछ होता है क्या उससे? होता है। अच्छा देखो क्या, हमारे यहाँ पे ज्यादा ठंड नहीं पड़ती इसलिए हम लोग रेगुलर नहाते हैं। कुछ ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे आदमी 8-8 दिन नहीं नहाते। क्यों नहीं नहाते? या फिर नहाते हैं तो स्टीम बाथ लेते हैं, स्टीम बाथ, भाप, भाप ऐसे ऐसे बॉडी में करेंगे और साफ करेंगे टॉवल से और हो गया स्नान, ठीक है? हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तो हमारी जलवायु के हिसाब से हम लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। और एक और बात है ना, हम लोग एक और नियम है, हम लोग भगवान की पूजा वूजा करते हैं तो बोला कि बिना नहाए कर ही नहीं सकते, मंदिर में जा ही नहीं सकते, छू ही नहीं सकते, ये बात है। अच्छा कभी लोग ये भी कहते हैं कि आत्मा पवित्र होनी चाहिए। अब आत्मा तो आपकी पवित्र है लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं, आत्मा तो पवित्र है, वो कह रहे हैं बॉडी भी पवित्र होना चाहिए। देखो धार्मिक बातें अलग होती हैं, धार्मिक बातों में ये सच भी है, हमारा माइंडसेट भी वैसा है। अगर हमने नहाया नहीं है तो हम भी मंदिर जाने में हेजिटेशन होता है,
होता है कि नहीं? अरे यार ना है नहीं यार, आरती लेने में हेजिटेशन होता है कि नहीं यार नहीं लेंगे आरती, ठीक है। अपन आरती की जो थाली है उसे छुएंगे भी नहीं, बोले नहीं नहीं आप कर दो भैया, क्योंकि नहाय नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता ना अंदर से, माइंड सेट जैसा हो जाए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे धर्म में एक बात है कि हत्या, जो लोग बलि चढ़ाते हैं उन्हें छोड़ के किसी भी जानवर की हत्या को हम लोग घोर पाप की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे धर्म हैं जिनके लिए बलि देना मतलब वही सेलिब्रेशन है, मतलब कितना अपोजिट है आप देखो तो सही, सोच के देखो। तो हमें लगता है कि हम ही ऐसे हैं पूरी धरती पर जो उदारवादी हैं। अगर कोई कहे कि जैन हमसे ज्यादा है तो जैन तो हमारे ही पार्ट है, जैन अलग से थोड़ी है, वो तो हमसे ही अलग ब्रांच बनी उनकी तो वो जैन है, लेकिन वास्तव में हिंदू ही है। उन हिंदू की बात नहीं कर रहे जो समझदार नहीं है या जो जानते नहीं है, जो जाने अनजाने कुछ भी करे जा रहे हैं, बट इन रियलिटी वी आर, जो हम ही है ना, हम ही सबसे ज्यादा लिबरल है, सबसे ज्यादा उदारवादी हम ही हैं। इसका निष्कर्ष इस बात से निकलता है कि हमने कभी किसी पर अटैक नहीं किया, दुनिया ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमने कहा रहो भैया तुम भी तुम्हारा बना लो अपना पूजा पाठ के अपने हिसाब से करो, बट वी डिड नॉट अटैक एनीबडी। इससे अंदाजा लगता है कि वाई वी आर लविंग बाय एवरीवन, हम सबके से सब हमें चाहते हैं। दुनिया वो अपने पर्सनल जमीन जायदाद के लिए लड़ते हैं, अलग बात है कि अपने देश की सीमा है, समुद्री सीमा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग्स, बट बेसिकली एवरीवन लाइक हिंदू बिकॉज ऑफ इट्स रूल्स रेगुलेशंस इट्स एडजस्टमेंट। ओके चलो, तो आपने देखा होगा कि अब आगे पूछते हैं, डिड यू कम यस्टरडे? यस आई केम। विल यू कम टुमारो? यस आई विल कम टुमारो। ये भी आपसे बनता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। एक बार और पूछ लेते हैं, वेयर डू यू लिव? आई लिव एट गाडरवारा। आई लिव एट गाडरवारा। हाउ डू यू फील इन दिस क्लास? आई फील बेटर। ओके, व्हाट डू यू लर्न हियर? Why do you learn English? I learn English because I am weak in English. Why do you learn English? Because I am weak in English. Okay. Where does your father work? My father works in field because he is a farmer. Okay. Yeah, my father works in an office. He is a employee. He is a government employee, private employee, या जो भी है आप बता सकते हो उनका, या he is मैकेनिक, ओके, और बोल सकते हो ही इज टेलर, ही इज जो भी है आपके पिताजी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, वेयर डज योर सिस्टर स्टडी? माय सिस्टर स्टडी इन पीएनबी। ओके, हाउ डिड यू कम टुडे? आज आप कैसे आए थे? हाउ डिड यू कम टुडे? आई केम बाय माय बाइक। आई केम बाय बाइक। आई केम बाय या आई केम ऑन फुट। ऑन फुट मतलब पैदल। आई केम बाय बाइसिकल। जो लोग साइकिल से हैं वो बोल सकते हैं आई केम बाय बाइसिकल। ओके, विल यू कम टुमारो? यस आई विल कम। व्हाट विल यू बिकम इन फ्यूचर? आई विल बिकम इन फ्यूचर। व्हाई विल बिकम इन फ्यूचर? आई विल बिकम सक्सेसफुल वुमेन। आप बिजनेस वुमेन बनेंगी। आई विल बिकम आईएएस ऑफिसर। IAS officer, you engineer. I will become IAS officer. Okay, yes, you. Bank. You will get job in banking field. चलो ठीक है, और